सुजानपुर के कश्मीरी मोहल्ला में पुरानी रंजिश के चलते एक परिवार ने दूसरे परिवार पर हमला करने के आरोप लगाए हैं। दोनों परिवारों ने थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई है और इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या बात हुई थी? बात ये हुई है सर, इसकी हमारी पिछले साल से पूरी रंजिश चल रही है। ये हमें बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बट हम इसको इग्नोर करी जा रहे हैं। हम लोग ये समझने की बात ही नहीं कर रहे हैं। इवन के पूरे मोहल्ले वालों ने भी सबने इसको समझाने की बहुत कोशिश करी। एक तो झूठ बूठ इसके पास इतना ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस ही कर चुका हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग इसने करी थी 16 फरवरी को, बसंत पंचमी वाले दिन। इसने जो इनका चलाओ था, वो ये इलेक्शन का दौर चलाओ था ना एमसीयू का, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे एमसी गीता शर्मा और उसके अपोजिट थी बोवी वर्मा। इनकी पॉलिटिशन के कारण इन लोगों ने क्या करा, ये जो एमसी के हस्बैंड हैं इनके ऊपर फायर करा 16 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन छत पे, और सब लोगों ने देखा। इसने एक फायर भी नहीं करे, 4-5 फायर करे, ठीक है मैम। उसके बाद भी इसको इग्नोर करा गया। फिर ये जी ऐसी मेरी बेटी की बदनामी करना, फायर किया था वो कौन है? संग्राम शर्मा ने, संग्राम सिंह ठाकुर ने करा अश्विनी शर्मा पे, इनकी छत पे, इनकी फैमिली पे करा। सारी दुनिया छत से देख रही थी, सब लोगों को पता है ये चीज़ें, पेपर में पहले भी आई, बट हम लोगों ने पर्चे भी करवाए, लोगों ने किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा जी, अब कल की बात, 3-4 बार इसने क्या किया, अश्विनी शर्मा पे अटैक करने की कोशिश करी। एक बार उसने गाड़ी चढ़ा दी इसके ऊपर, 2-3 बार ऐसे भी उसने इस पर अटैक करा, और इसने ये सेम वर्डिंग अपने मुँह से वर्डिंग इसने व्हाट्सएप पर वो करी थी, वो भी इसकी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, हमने वो भी, हमने कुछ भी नहीं करा मैम, बट अब हम सब कुछ करेंगे इसके लिए। उसके बाद मैं सर क्या करने लगा, इसने मेरे बेटे को धमकी देनी शुरू कर दी कि मेरा बेटा है अभी डोगरा, इसने इसको धमकी देना शुरू करी, तू मेरे को यहाँ भी मिलेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और जिस टाइम इसने सर ड्रिंक करनी, यहाँ से जब भी हमारी रोड के पास से निकला ना, गाड़ी में निकलना, पहले तो स्टार्टिंग में ये 10-12 लड़कों को लेके हल्ला करके हुडिंग करके मतलब इस तरह से निकलता था, और इसने, हमने तभी अपने आप अंदर रहना, हमने नहीं कोई इसके साथ कुछ भी करा कि चलो इसको इग्नोर करो, जवान बच्चे हैं, चलो इनको कल की मैरिज होनी है, इनकी लाइफ स्पॉइल ना होए, हम लोग इसको इग्नोर करी जाते गए, बट ये हमें बदनामियों पे बदनामियाँ बिन मतलब की बदनामियाँ देता गया ये। उसके बाद इसने मेरे बेटे को क्या करना शुरू कर दिया, इसने मेरे बेटे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मतलब इसको मिलना, उसने आंखें निकाल के दिखाना, ऐसे करके करना। तो मैंने, मेरे को बेटे ने बताना, मैंने कहा अभी इसको इग्नोर करो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, ये चाहता है हम इससे कोई इश्ता नहीं करें, बट हम नहीं चाहते हैं ये सब कुछ करना, हमने यही करना है इसको। थोड़े दिन की बात है मैम, 3 महीने की बात है, इसने पहले मेरे बेटे के साथ शैतानी करी, मैंने बच्चे को मना करा, मैं रात को यहाँ पे कहीं पे जा रही हूँ इस साइड से, कोई 8-8:30 का टाइम होएगा, तो मैम ये यहाँ से आया, ग्राउंड में से आया, गेट के पास यहाँ पहुँचा है, ये बाइक पे था, आगे इसका भाई, पीछे ये, इसने मैम जैसे मुझे देखा ना, इसे मुझे देख के ऐसे करा, मैं तो पहले एकदम घबरा गई मैम, तो मैं आगे को चली गई, हमने तब भी इसको छोड़ दिया, तब भी इसको कुछ नहीं करा, बट अब कल परसों की बात है इसने दोबारा करना शुरू कर दिया। बेटा मेरा, मैं अंदर स्टोर में काम कर रही हूँ मैम, अपने कपड़े संभाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब से आया है, मैं उनके लिए पजामा निकाल रही हूँ, मैं वहाँ पे स्टोर में हूँ, बेटा मेरा जिम से आया है। इसने क्या करा, यहाँ पे गेट पे आके ना, पहले तो गाने लगाए जोर से, फिर इसने गेट को ऐसे टांग मारी, और वो मैं सुन के, इसने ये बोला ना, उसके बाद ये बाहर चला गया, जैसे ये बाहर गया मेरा बेटा भी इसके पीछे, क्योंकि इसने पहले क्या करा, मुझे ना, मैं बाहर आई, इसने मुझे मारने की कोशिश करी, मेरा बेटा इसके पीछे भागा गाड़ी में, इसको गाड़ी में फिर मारा कुट्टी हुई है, हमने भी इसको मारा है, उसने भी मारा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। इसने फ़ोन करा, अपनी माँ को बुलाया, अपने भाई को बुलाया, अंदर आए, मेरे को मैम इसने पता नहीं कितनी थप्पड़े मारी, मुझे कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। इसने मैम मेरे यहाँ मारा, मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई, मेरा ये पूरे का पूरा जबड़ा हिल गया हुआ है। जब कोई किसी की माँ को मारेगा तो बच्चे तो आगे छोड़ते नहीं है, बच्चे तो नेचुरली उस पर अटैक करेंगे करेंगे, फिर हमारे बच्चे भी उस पर पड़े हैं। उसके बाद मैम इसने क्या करा, आज की सर ताज़ा रिपोर्ट है, सुबह मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाने लगे हैं, बाहर खड़े हैं, ये एमसी साहब भी साथ में खड़े हैं, उसने वहाँ भी थ्रेड करा, आ जाओ कल्ले कल्ले मैं तुहानू देख लेना, मतलब ये हमें हर बारी थ्रेड पे थ्रेड दिए जा रहे हैं। बताओ मेरा बच्चा अब जिम जाने वाला है, कहीं भी जाता है, मेरा बच्चा अकेला कहीं नहीं जा सकेगा, कल को उसको कुछ होएगा तो हम क्या करेंगे। हाँ मैंने कल सर वहाँ पे पर्चा करवाया है, अभी मैं मेडिकल करवा के भी आई हूँ। क्या मांग आपकी? हाँ जी, मेरी मांग यही है सर, हमें इंसाफ चाहिए, ये मेरी फैमिली को, पूरी फैमिली को और एमसी की फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि हमें अन्याय न्याय मिले, अन्याय ना मिले, जबकि हमारे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है, वी वांट जस्टिस, बट ये क्या करता है, इसके पास तो पल पल झूठ है, और हमारे पास झूठ बिल्कुल भी नहीं है। आखिर एक ना एक दिन सच्चाई जो होगी ना, वो सच्चाई की होती है जीत, ना कि झूठ की होती है। यो झूठे ब्लेम लगाई जा रहा है, इसकी माँ इतनी गंदी गंदी गालियां निकाले यहाँ पे खड़ी होकर, मुझे तो गालियां भी नहीं,
मैं अपने बेटे को मना करूं कि नहीं हमें नहीं झगड़ा करना है, वो उसकी माँ गालियां निकालने वाले के बाहर आओ बाहर कटो अपने मुंडे को गंदी गंदी गालियां निकाले ऐसे इस तरह से, मतलब इतना मजबूर कर दिया इन लोगों ने कल हमें, हद ही कर दी। नहीं तो हमारे बच्चों ने आज तक आप मोहल्ले में किसी को भी पूछ सकते हैं जाके, हमने आज तक अभी इनसे कोई इश्तानी नहीं करी, इसने ही करा एमसी साहब, इसने इतनी बार इसने वो टॉर्चर करा उनको, उनको मारने की कोशिश करी है और कोई एक्शन नहीं लिया गया सर, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आ जाके ये झूठ फूट बोल के ये चीजें कर देता है। बंटी है एक्चुअली मैं कल शाम को अपनी मम्मा का चेकअप करवा के आया करता सी पठानकोट तो, ते अप्रोक्सीमेट कोई 8:30 का टाइम सी, ते मम्मा घर आ गए ड्रॉप कर, मैं गड्डी मोड़ ते खिलारी, जो मैं गड्डी टर्न की राकेश डोगरा ते अभी डोगरा संदीप डोगरा इन्होंने पता नहीं पिछों कोई इट मारी, मैनू नहीं पता सी कि मतलब कि इट आई है, जद ही मैं गड्डी चो उतरे हैं तो इन्होंने तेज कोई चीज़ नाल इन्होंने मतलब अटैक करता मेरे ते, जो कि मेरे से काफ़ी चोट वगैरह भी लगी है, सिर पर लगी है, तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैगी है और साढ़े इस साइड से भी काफ़ी उन्होंने किया हो जगह तो ना काफ़ी चीज़ की है। तो सर आप ही चाहते हैं कि इनकी पोलीटिकल फरोश बहुत ज़्यादा हैगी है, जिदे करके मतलब इस तो पहला भी ये पुरानी अरंजिश लैके पता नहीं कुछ कर दिया साढ़े वालों, तो कोई मिसटेक तो हूँ मिसटेक तो होंगी नहीं हैगी ना कुछ है, आप तो बिजनेसमैन परसन है, तो आप सिर्फ ये चीज़ चाहते हैं कि इन्हें तो कानूनी कार्रवाई एज सुन एज पॉसीबल होए सो दैट कि सानू इस चीज़ का इंसाफ मिल सके। कंप्लेंट सर हाँ कल आप मेडिकल करवाया जो गल हुई है, उस बाद आप 9:30-9:10 मेडिकल अपना सिविल पठानकोट हॉस्पिटल गए से, उतों मेडिकल करवा के फिर सयानपुर एप्लीकेशन भी करवाई है, उस तो बाद 112 कंप्लेट भी की। आप सर मंग ये हैगी है कि जिन्ना तो जिनी जल्दी हैगा केस नूं प्रोसीड किया जाए, FIR लॉन्च की जाए पुलिस वालों, तो स्ट्रिक्टली एक्शन लिता जाए, क्योंकि हमेशा जो भी मैं आना अज नहीं इस तो 2-4 बारी पहला भी अटैक्स होए आ, जिदे करके साड़ी फैमिली मतलब हमेशा सानू कहिंदे कि लड़ाई झगड़े तो दूर रहना है, तो आप हमेशा चुप रहने हैं, बट कल इन्होंने मतलब मैं अपनी मदर नाल ही गया होया सी जो इन्होंने मेरे ते अटैक किया, फिर उस तो बाद लड़ाई होने तो बाद फिर मैं अपनी जो मेरे काफ़ी चोट लगी सिर पर लगी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई नक तो, फिर मैं अपनी फैमिली को फोन किया, साढ़े मतलब मम्मा भी दोबारा आ गए वापिस, वड्डे भाई भी आ गए, तो फिर इन्होंने वड्डे भाई नाल भी कोई तेज चीज़ नाल ना इन्होंने काफ़ी पेट दे विच कोई चीज़ मारी है, तो जो कि तुम देख भी सकते हो कि काफ़ी लगी जाते सानू फोन पर पता लगा कि हम इस तरह इन्हों की लड़ाई लगी असं इतने आए पता करने वास्ते, इन्हों का ये घर नहीं मिले, ये उस टाइम तो हॉस्पिटल जा चुके, काफ़ी फ्रैक्चर हो चुके थे इन्होंने, इन्होंने मम्मी भी सट लगी हुई है, इन्होंने ब्रदर में भी सट लगी हुई है, इन्होंने भी काफ़ी चोट आई हुई है, ये पहले भी एक दो बार इन्होंने अटैक किया, तो इन्हों चंगे तरीके पुलिस की कार्रवाई के उपर इन्हों पूछा जाए कि क्यों अटैक करते हैं, अटैक ये पटवारी के घर तो अटैक होया इन्हों। रागी होम डेकोर give your home offices interior and exterior walls ceiling furniture and door panel an elegant look expert in UV PVC wall wallpapers partition jali wood flooring आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली 100% मॉइस्चर प्रूफ 100% टर्माइट प्रूफ एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी साउंड रिड्यूसिंग फायर रिटार्डेंट रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113